नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनी। आप आए हैं सोनी की रसोई से में, तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज अब मैं आपके साथ एक और रेसिपी लेकर आई हूँ। वो रेसिपी क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाई हूँ। तो ये सब्ज़ी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और टेस्टी बनी हुई है। तो इसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने बैंगन लिए हैं, इसको मैंने अच्छे से धोकर इसके डंठल को कट कर लिया है। ये हमारे किचन गार्डन के ही बैंगन हैं, तो मैंने इसको ले लिया है। यहाँ पे चाहिए हमें आलू, 8 आलू लिए हैं छोटे छोटे, और 2 टमाटर ले लिए हैं बड़े बड़े। और हमें क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं, लहसुन 8 से 10, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और 5 हरी मिर्च लिए हैं। इनको अभी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे, और लहसुन अदरक को कद्दूकस कर लेंगे। और यहाँ पे आलू लिए हैं मैंने, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो कट कर कर एक बर्तन में ले लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारे आलू काले ना पड़े। तो बैंगन को कैसे काटना है, एक बैंगन लेंगे, उसमें हम कट लगाएंगे, 2 और 4 टुकड़े हो जाएंगे उसके। इस तरह से हमें कट कर लेना है बैंगन को, एक बैंगन में 4 हिस्से हो जाएंगे। और हमें ये भी देखना है कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है, इस तरह से हमें चेक कर लेना है। तो बैंगन को काट काट के हमें एक पानी वाले बर्तन में डाल देना है जिसमें पानी रखा है। तो इस तरह से हमें डालकर रख लेना है, इससे ये होगा कि हमारे बैंगन काले नहीं पड़ेंगे और ये इसी तरह से बने रहेंगे ताजे। उस तरह से काट के रखो तो बैंगन काले पड़ जाते हैं, पानी में डालने से काले नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 छोटा चम्मच हल्दी लिया है, 1/2 छोटा चम्मच हमने नींबू लिया है, उसको मैं इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इससे भी बहुत बढ़िया इस सब्ज़ी का फ्लेवर आता है। तो इस तरह से मिला कर रख लेना है। टमाटर को भी हमें लंबे लंबे स्लाइस में इस तरह से कट कर लेना है। इसको हम सबसे लास्ट में सब्ज़ी जब हमारी थोड़ी सी पक जाएगी तब हम डालेंगे। तो इस तरह से हमने काट लिया। चलते हैं हम आगे के प्रोसेस में। तो हमें एक कढ़ाई लेनी है, गैस ऑन कर रखा है मैंने, और तेल हमारा गर्म है। इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, जीरा, साबुत जीरा, और 2 चुटकी हींग डाल देंगे, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक और लहसुन कद्दूकस किए हुआ डाल देंगे। इसको अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर तक हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसके बाद हम प्याज को भी डालकर भून लेंगे। इसको हम सुनहरा होने तक प्याज को भून लेंगे। तो देख सकते हैं हमारी प्याज भून चुकी है। इसमें हल्दी डाल देंगे 1/2 चम्मच। अच्छे से मिलाकर हमें इसे भून लेना थोड़ी देर तक। अब इसमें हम बैंगन को डाल देंगे, इसको हम अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें आलू को भी डालकर मिक्स कर लेंगे। तो हम आलू को डाल देंगे, इसको भी हम उसी तरह से अलरते पलरते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमने मिला लिया है। अब इसके कुछ देर के लिए हम ढककर पका लेंगे। तो देख सकते हैं थोड़ी देर बाद हमने इसको ढककर हटाया, तो इस तरह से हमारी सब्ज़ी थोड़ी सी पक चुकी है। अब इस समय मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी और 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, साथ में हम टमाटर को भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिलाकर हम इसको ढककर पका लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। पाँच से छः मिनट बाद देखेंगे कि हमारी सब्ज़ी पक गई है कि नहीं। तो देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर चेंज हो चुका है, सब्ज़ी हमारी पक चुकी है। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ।
हमारी सब्ज़ी पकी है कि नहीं। आलू को इस तरह से हमें एक फॉग वाले चम्मच से इस तरह से दबा के देखना है, अगर वो मैश हो रहा है तो फिर वो पक चुकी है सब्ज़ी। बैंगन भी हमारा पक चुका है, तो हमारी सब्ज़ी एकदम बनकर रेडी है, तैयार है। तो इसको हम दूसरे बाउल में सर्व कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, एकदम ज़बरदस्त हमारी सब्ज़ी बनी हुई है। तो इस तरह से आप भी बनाइए और अपने अनुभव हमारे चैनल में ज़रूर शेयर करिए। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। तो बनाइए, बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो हम यहाँ प्याज से थोड़ा सा सजा देंगे। तो हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।